नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर में इस्तेमाल होने वाले साउंड कैनन के बारे में बात करेंगे कि यह कैसे काम करता है, इसका इस्तेमाल सबसे पहले कहां हुआ था, यह किस प्रकार भीड़ को भगा सकती है, इसके अलावा यह वेपन किस प्रकार किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए बहरा बना सकती है, आदि सवालों के जवाब को समझेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कश्मीर में पत्थरबाजी करने वाले युवकों पर एक नई बहुत ही तेज आवाज करने वाली तकनीक यानी साउंड कैनन के प्रयोग की अनुमति दे दी है। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के ऊपर अब पैलेट गन का प्रयोग कम से कम कर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जब भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, तब कुछ सिविलियन की तरफ से बहुत ज्यादा स्टोन पेल्टिंग की जाती है, जिससे हमारे जवानों को काफी नुकसान पहुँचता है और आतंकवादी वहाँ से भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे देश के बड़े बड़े डिजाइनर, पत्रकार और हमारे देश के बड़े बड़े नेता पत्थरबाजों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को मानव अधिकारों का उल्लंघन बताकर हमारे देश के जवानों पर सवाल भी उठाते आ रहे हैं। और इसी के मद्देनजर रखते हुए कश्मीर में अब साउंड कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस कहा जाता है और इसे एक सोनिक वेपन माना जाता है। दोस्तों, यह वेपन इस प्रकार काम करता है कि इस प्रकार के सोनिक वेपन से बहुत ज्यादा जबरदस्त दर्द दिमागी दौर पर मिलता है और उनके सुनने की क्षमता और उन्हें दिमागी दौर पर काफी दर्द भी देता है जिनके ऊपर यह इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें, यह वेपन किसी भी व्यक्ति को हमेशा के लिए अपनी साउंड कैनन की मदद से बहरा भी बना सकता है, क्योंकि दोस्तों यह वेपन बहुत तेज दर्द पैदा करने वाली ध्वनि तरंगों को पैदा करती है। और आगे से कश्मीर में पुलिस इसके जरिए भीड़ को तितर बितर करती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें, यह सोनिक वेपन लंबी रेंज की एकॉस्टिक डिवाइस है और इसका इस्तेमाल सबसे पहले पीटर्सबर्ग अमेरिका में हुए G20 सम्मेलन के दौरान गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए किया गया था। दोस्तों, कश्मीर में कई बार पत्थरबाजों के चलते भारतीय सेना को आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करने में काफ़ी समस्या होती है। और LRAD यानी लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस नाम की यह तकनीक ऐसे मौक़ों पर भीड़ को तितर बितर करने के काम में आएगी, ताकि सेना आराम से अपना काम कर सके। और दोस्तों, मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को इस तकनीक की खरीद प्रक्रिया को शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि LRAD के प्रयोग की काफ़ी आलोचना भी होती रही है, क्योंकि दोस्तों यह सुनने की शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए नुकसान पहुँचा सकती है। हालांकि दोस्तों, गृह मंत्रालय ने यह साफ किया है कि इसके जरिए इंसान को दी जाने वाली खतरे की घंटी को दर्द को सहने की इंसानी क्षमता से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।